पटना वासियों के लिए एक सुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पटना मेट्रो के लिए रानीपुर और पहाड़ी मोजा में लगभग 73 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली गई है। इस दिशा में काम शुरू भी हो गया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण में आने वाले खर्च का ब्यौरा नगर विकास विभाग को भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि रानीपुर और पहाड़ी मोजा में जिन लोगों की जमीन है उसे अधिग्रहण करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नगर विकास विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण में आने वाले खर्च की राशि उपलब्ध करा देने के बाद संबंधित किसानों को नोटिस दे दिया जाएगा। उसके बाद इस एरिया में भूमि अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया जाएगा। भू अर्जन पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि रानीपुर में पटना मेट्रो का डिपो बनाया जाना है। यहाँ पटना मेट्रो में लगने वाले उपकरण को शुरुआती दौर में रखा जाएगा। इसके बाद जब पटना मेट्रो की शुरुआत होती है तो यह एक सेंटर के रूप में विकसित हो जाएगा, लेकिन शुरुआती दौर पर मेट्रो में बड़े पैमाने पर काम होना है, इसलिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया है कि इन इलाकों में किन किन एरिया को अधिग्रहण किया जाना है, इसे चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही इस दिशा में अगली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इधर पटना मेट्रो से संबंधित अन्य जगहों पर कितनी जरूरत होगी इसका भी आकलन कर लिया गया है। अब देखना यह होगा कि पटना मेट्रो कब तक लोगों के लिए बनके तैयार हो जाएगा। पटना से उत्कर्ष कुमार की रिपोर्ट।